दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश में 27वां वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें सिंटेक्स जो दूसरा टॉपिक है लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश का, सिंटेक्स का अर्थ होता है वाक्य विन्यास। और इसके अंदर कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट, यानी कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट का अर्थ होता है सामंजस्य, यानी कि समझौता करना। अभी तक हमने कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग पढ़ा है। लेकिन इस नियम को जो कुछ रूल्स जो हैं, इसके कुछ रूल्स हैं जो इस नियम के अनुसार नहीं चलते हैं, उनको हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो उसके अभी तक हम 23 वीडियो दिखा चुके हैं, जिनके अंदर हम 23 रूल्स का वर्णन कर चुके हैं। और एक्सेप्शंस के अंदर ये 24वां रूल्स है जो कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अनुसार नहीं चलता। इसमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ओ प्लस प्लुरल नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन यानी कि एक समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा जो कि सिंगुलर के रूप में प्रयोग होती है। जैसे कक्षा, कक्षा के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन नाम है कक्षा, वो एक कक्षा होने की वजह से इसलिए उसको सिंगुलर माना गया है। यानी कि कक्षा को इंग्लिश में कहेंगे हम क्लास। खिलाड़ियों का समूह प्लेयर्स, ए बैंड, ए ग्रुप ऑफ, यानी सॉरी टीम, टीम ऑफ प्लेयर्स। तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑप लगाकर प्लुरल नाउन का प्रयोग करते हैं। यानी कुछ ऐसे एक्सप्रेशन यानी वर्णन करना होता है जिनमें हम सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑप लगाकर प्लुरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ग्रुप ऑफ बॉयज, अब एक ग्रुप ऑफ, एक ग्रुप जो है एक सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप का मतलब होता है समूह, ऑफ बॉयज लड़कों का समूह। तो इसमें एक ग्रुप जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है जिसके साथ ऑफ लगा करके बॉय जो है प्लुरल नाउन का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से एक टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह। तो एक टीम जो है ये, एक टीम जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, उसको हम टीम कहते हैं। तो ऑफ लगाकर इसमें प्लेयर्स जो है प्लुरल नाउन का जोड़ दिया गया है। उसी तरह से बैंड ऑफ सिंगर्स, तो ए बैंड जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और ऑफ लगा करके उसके साथ सिंगर्स जोड़ दिया गया है, यानी कि गायकारों का समूह। तो अगर ये सिंगर्स की जगह सिंगर होता तो ये सिंगुलर होता, इसी तरह से यहां प्लेयर्स की जगह प्लेयर होता तो ये सिंगुलर होता, नाउन होता। उसी तरह से यहां बॉयज की जगह बॉय होता तो ये सिंगुलर नाउन होता, लेकिन ये ऑफ के द्वारा प्लुरल नाउन को जोड़ा गया है, जैसे ऑफ बॉयज, ऑफ प्लेयर्स, ऑफ सिंगर्स। जबकि ए ग्रुप, ए टीम, ए बैंड जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और इनके साथ प्लुरल नाउन जोड़ा गया है ऑफ लगा करके। इन एक्सप्रेशंस में सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप, टीम, बैंड। ग्रुप मानी समूह, टीम का मतलब खिलाड़ियों का समूह और बैंड का मतलब गायकारों का समूह, जो सिंगुलर नंबर में है, इनको सिंगुलर नंबर माना जाता है, न कि बॉयज। बॉयज क्या है? प्लुरल नाउन है। प्लेयर्स ये भी प्लुरल नाउन है, सिंगर्स ये भी प्लुरल नाउन है। जो प्रीपोजिशन ऑफ के ऑब्जेक्ट हैं, यानी ऑफ के बाद ये आए हैं, तो ये ऑफ के ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। साथ ही ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ द्वारा एकता, एक वचन के भाव में भी बन जाते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है? बैंड, ग्रुप, टीम। तो ये इसके साथ बंधे होने की वजह से एक वचन में बन जाते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है। जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज स्टेइंग हियर, तो टीम खिलाड़ियों का जो समूह होता है उसको बोलते हैं टीम। ए टीम, ए टीम क्या है? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है और ऑफ के द्वारा जोड़ करके इसको प्लेयर्स जो है प्लुरल नाउन है, इसको जोड़ा है इसके साथ ऑफ के द्वारा, ऑफ प्रीपोजिशन है। इज स्टेइंग हियर यानी कि खिलाड़ियों का समूह जब वो यहां रुका हुआ है, स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब था स्टे मींस होता रुकना, हियर मींस यहां, खिलाड़ियों का समूह यहां रुका हुआ है। तो ए टीम ऑफ, ए टीम की वजह से क्या है? यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है, न कि ऑफ प्लेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो ए टीम है,
इसी तरह से अगला है, ए गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स इज रेडी। तो गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब माला, ए गार्लैंड एक माला, ऑफ फ्लावर्स फ्लावर्स क्या बहुत सारे फूलों की एक माला, इज रेडी बहुत सारे फूलों की एक माला जो है वो तैयार है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, एक गार्लैंड है, तो एक गार्लैंड की वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। इसी तरह से तीसरा, ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग हियर। ए बैच ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों का जो समूह होता है जो एक जगह पढ़ाई करने के लिए आता है तो उसको हम बैच कहते हैं। ए बैच ऑफ स्टूडेंट्स इज स्टडिंग हियर यानी कि विद्यार्थियों का समय जो विद्यार्थियों का जो समूह है वो यहाँ पर अध्ययन कर रहा है। स्टडिंग का मतलब होता है अध्ययन करना। तो या ये बैच जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है जो ओ प्रीपोजिशंस के द्वारा जोड़ा हुआ है और उसके साथ प्लुरल नाउन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आई इज ये आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, ए बैच क्या है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन, इसलिए यहां इज का प्रयोग हुआ। ठीक है, उसके बाद चौथा, ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन फ्रॉम द क्रीपर्स। ए बंच जो होता है वो क्या होता है, गुच्छा होता है, गुच्छे को बंच कहते हैं। ग्रेप्स, ग्रेप्स मीन्स होता है अंगूर। फालन का मतलब होता है गिरना, फाल फेल फालन। फ्रोम मीन्स से, क्रीपर, क्रीपर का अर्थ होता है वैसे रेंगना, लेकिन यहाँ क्रीपर्स का मतलब जो अंगूर जो लगते हैं वो बेल के लगते हैं, पेड़ पे नहीं लगते हैं। ये बेल चढ़ती है, दीवारों पे चढ़ जाती है, पेड़ों पे चढ़ जाती है, उसके अंगूर लगते हैं, नहीं कि पेड़ के ऊपर आम की तरह नहीं लगते। तो यहाँ ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन फ्रॉम द क्रीपर्स। तो ए बंच जो है ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है यानी कि अंगूर के लिए यूज होता है बंच, या केरों के लिए बंच का प्रयोग होता है, गुच्छा, बंच मीन्स गुच्छा। और ऑफ जो प्रीपोजिशन है उसके द्वारा प्लूरल नाउन ग्रेप्स जोड़ा गया है, ग्रेप की बजाय ग्रेप्स जोड़ा गया है यानी कि प्लूरल में, तो इसलिए इसके साथ हैज का प्रयोग हुआ, लेकिन हैज का प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सब्जेक्ट है ए बंच। तो क्या हुआ, ए बंच ऑफ ग्रेप्स हैज फॉलन फ्रॉम द क्रीपर्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा जो है बेलों से नीचे गिरा है। तो ये क्रीपर का मतलब यहां हुआ बेल, अंगूर की जो बेल होती है। इसी तरह की कुछ अन्य सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ये हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के अनुसार यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। जैसे ए चेन ऑफ, ए चेन ऑफ, ए चेन, ए चेन क्या है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, और ऑफ के द्वारा ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हम इसमें प्लूरल नाउन जोड़ करके इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से गार्लैंड ऑफ एक माला, एक क्लास ऑफ समूह, स्टूडेंट्स का समूह हो सकता है। ए बंच ऑफ ये केलों का गुच्छा या अंगूर का गुच्छा हो सकता है। ए सीरीज ऑफ, सीरीज का मतलब क्रम में, अनेक चीजें एक क्रम में जो रखी जाती है उसको सीरीज बोलते हैं। ए हार्ड ऑफ, ए हार्ड ऑफ कहते हैं पशुओं के समूह को जिसमें बहुत सारी गायें हो सकती हैं, पशु भैंस हो सकती हैं, भेड़े हो सकती हैं, उसके लिए हार्ड का प्रयोग होता है। ए फ्लॉक ऑफ ये भी पशुओं के लिए ही यूज होता है। और ए बैंड ऑफ ये गायकारों का समूह हो सकता है, गाने बजाने वालों का समूह हो सकता है, उसको कहते हैं बैंड ऑफ। ए सेट ऑफ ये कुछ सामान का समूह हो सकता है। और ए बकेट ऑफ, बकेट, बकेट का अर्थ होता है फूलों का गुलदस्ता। एक गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी, गैलेक्सी कहते हैं आकाश गंगा को, आकाश के अंदर जो तारे होते हैं उसमें जो तारों का जो समूह होता है उसको कहते हैं गैलेक्सी। एक गैलेक्सी ऑफ यानी कि तारों का समूह। एक फ्लिट ऑफ, फ्लिट जो होता है वो जहाजों के समूह को कहते हैं, ए फ्लिट ऑफ जहाजों का समूह। ए पेयर ऑफ उन चीजों का समूह जो जोड़े के अंदर आती हैं, जैसे स्लीपर्स चप्पल। ए गैंग ऑफ, गैंग का प्रयोग होता है डाकुओं के लिए, बदमाशों के लिए, चोरों के लिए, लुटेरों के लिए, यानी लुटेरों का समूह या डाकुओं का समूह, ठीक है, उसके लिए गैंग का प्रयोग होता है, एक्सेट्रा आदि। तो ये सब क्या कहलाती हैं, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहते हैं इनको। ईटीसी, ईटीसी का अर्थ होता है एक्सेट्रा।
उसके बाद रूल नंबर 25 ये कहता है, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशंस, सिंगुलर नाउन रिपीटेड आफ्टर ए प्रीपोजिशन, सिंगुलर नाउन जब प्रीपोजिशन के बाद सिंगुलर नाउन का दोबारा से प्रयोग हुआ हो तो वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें सिंगुलर नाउन की वही नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद दोबारा प्रयोग होती है, शब्दों की ऐसी बनावट को हाइफेनेटेड एक्सप्रेशंस कहते हैं। यानी कि उसमें बीच में प्रीपोजिशन लगा करके और दोबारा से वही नाउन आ जाए तो उसको कहते हैं हाइफेनेटेड एक्सप्रेशन। जैसे शिप आफ्टर शिप, जहाज के बाद जहाज, बस आफ्टर बस, बस के बाद फिर बस। जैसे वेव आफ्टर वेव, वेव का मतलब होता है लहरें, पानी के अंदर जो लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर उसको वेव कहते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, और वेव, वेव आफ्टर वेव का मतलब समुद्र के अंदर एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना। शिप आफ्टर शिप, किनारे पर एक जहाज के बाद, पानी का एक जहाज के बाद दूसरे जहाज का आना, वो कहलाता है शिप आफ्टर शिप। ब्रिक अपॉन ब्रिक, ब्रिक का अर्थ होता है ईंट, जो मकानों में ईंट लगती है, तो इसका अर्थ यह हुआ ब्रिक अपॉन ब्रिक का मतलब ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगाना। रो अपॉन रो, रो रो का मतलब होता है लाइन, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का आना। ऐसे एक्सप्रेशंस के सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है, इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब प्रयोग होती है इसमें, जबकि आफ्टर का या किसी प्रीपोजिशन के बीच में प्रयोग होता है। जैसे शिप आफ्टर शिप अराइव्ड हियर, अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब पहुंचना, यानी एक जहाज के बाद दूसरा जहाज, और यानी कि तीसरा जहाज, यानी कि जहाजों का आना, एक जहाज के बाद अनेक जहाजों का आना जो है वो कहलाता है शिप आफ्टर शिप। अराइव का मतलब पहुंचना, हियर मीन्स यहां, एक जहाज के बाद, इन जहाज के बाद अनेक जहाजों का आना या पहुंचना शिप आफ्टर शिप कहलाता है। तो यहां शिप आफ्टर शिप आने की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ एच का, यानी कि अराइव के साथ एच का प्रयोग हुआ जो सिंगुलर वर्ब को शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनेट के अनुसार। वेव आफ्टर वेव फॉलोज, अब यह फॉलो, फॉलो के साथ एच लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये वेव आफ्टर वेव की वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ फॉलो के साथ एस का प्रयोग, यानी कि एक लहर के बाद दूसरी लहर का आना। उसी तरह से ब्रिक अपॉन ब्रिक इज लैंड, यानी कि एक ईंट के बाद दूसरी ईंट लगाना जो है वो स्थापित करना, उसकी स्थायित्व को शो करता है। तो ब्रिक अपॉन ब्रिक इज लैंड, तो इज जो सिंगुलर वर्ब है ये इसके अनुसार हुआ ब्रिक अपॉन ब्रिक। तो ब्रिक मीन्स होता है ईंट, अपॉन, अपॉन का मतलब एक दूसरे के ऊपर होना, तो अपॉन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो यानी कि ब्रिक के और दूसरी ब्रिक के बीच में प्रीपोजिशन अपॉन आया, तो इसलिए यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा ईट, इन एक ईट के ऊपर दूसरी ईट का रखना जो कि स्थायित्व को शो करता है। सोट आफ्टर सोट वॉज हियर, सोट, सोट का अर्थ होता है बंदूक का चलना, एक फायर के बाद दूसरे फायर की आवाज आना, क्योंकि बंदूक जैसे चलती है, तो शॉट आफ्टर शॉट वॉज हियर, यानी कि एक बंदूक की आवाज के साथ दूसरी फिर आवाज आई, फिर तीसरी आई, तो ये सुनी जा सकती थी। शॉट आफ्टर शॉट वॉज हियर, यानी कि बंदूक की चलने की आवाज एक के बाद एक सुनी जा सकती थी, इसका अर्थ ये हुआ। तो शॉट आफ्टर शॉट, यानी कि शॉट के बाद आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग, फिर शॉट का आना, ये क्या कहलाता है, हाइफेनेटेड एक्सप्रेशंस कहलाता है, जो जिसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो सिंगुलर वर्ब यहाँ वॉज आ रहा है। अगर ये सिंगुलर वर्ब नहीं होती तो इसकी जगह वॉज की जगह क्या होता, वर होता। इसी तरह से रूल नंबर 26 क्या कहता है, वर्ब टू बी प्लस कंप्लीमेंट, वर्ब टू बी किसको कहते हैं, वर्ब टू बी इज एम आर को वर्ब टू बी कहते हैं। तो वर्ब टू बी में ये है, क्या है, एम इज आर वॉज वर, इन वर्ब के बाद हमेशा एक कंप्लीमेंट आता है, वह कंप्लीमेंट उस वर्ब टू बी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यानी इनके बाद जो कंप्लीमेंट होता है, इनके बाद जो कंप्लीमेंट आता है, जो नाउन आता है, वो इनका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो उसके बाद आया है, इज एम आर के बाद।
सब्जेक्ट टू बी वर्ब से पहले आता है और कंप्लीमेंट उसके बाद है। अतः ऐसे वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार प्रयुक्त होती है, न कि कंप्लीमेंट के अनुसार। जैसे इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब आती है, जैसे कि इट इज आई। जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा है कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन वो कब होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है? इट। तो इट के साथ क्या आएगा? इज, ठीक है, या आई, और उसके बाद आया है आई। तो यहां एम का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट एम आई नहीं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट इज, ये जो है वर्ब टू बी है इज, तो इसके बाद आए हुए नाउन का यानी कंप्लीमेंट का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता वर्ब के ऊपर। क्यों? ये वर्ब जो होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आती है, सब्जेक्ट इसमें क्या है? इट, ठीक है। इसी तरह से इट इज दे, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इट, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ इज। दे क्या है? इज का कंप्लीमेंट है, यानी कि इसके बाद आया हुआ ऑब्जेक्ट है। तो जो वर्ब है वो किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? इज, इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ। इट आर दे नहीं, यानी इसके साथ आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट इसका सिंगुलर है, प्लुरल इसके वर्ब टू बी के बाद आया है। तो वर्ब टू बी के बाद आए हुए कंप्लीमेंट का वर्ब के ऊपर कोई असर नहीं होता, वर्ब के ऊपर असर होता है उससे पहले आए हुए सब्जेक्ट का, जैसे कि इट। इसी तरह से यानी इट इज दे, ये वे हैं। इट इज माई स्टूडेंट हु वोन द मैच, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इट। तो इट के अनुसार यहां क्या आएगा? इज, नहीं कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग यहां नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्या है माई स्टूडेंट्स जो है इसका क्या है? कंप्लीमेंट है, यानी वर्ब टू बी का। तो इसके अनुसार यहां आर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आर या यहां पर जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और सब्जेक्ट है इट, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। तो कह रहा है इट इज माय स्टूडेंट्स हु वोन द मैच, ये मेरे विद्यार्थी हैं जिन्होंने खेल को जीता, मैच को जीता। तो इट आर माय स्टूडेंट्स नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसी तरह से माय ग्रेट होप इज माय सन्स, तो मेरी जो आशा है, माय मींस मेरा, ग्रेट का मतलब विशेष तौर पे, होप का मतलब आशा, इज माय सन्स, सन्स का मतलब बेटा, सन का मतलब बेटा। तो यहां एस लग गया, प्लूरल लग गया, इसलिए ये बहुत सारे बेटे हो गए। तो ये कहता है मेरी जो आशा है वो मेरे बेटे हैं, अर्थात मेरे को जो भी उम्मीदें हैं मेरे बेटों से है वो कुछ करके दिखाएंगे। तो यहां ये कह रहा है, तो माय ग्रेट होप, तो माय ग्रेट होप क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके अनुसार यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, न कि माय सन्स के अनुसार यहां पर आ रहेगा, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए, हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर इज द स्नेक्स। हियर मींस यहां, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा, ये क्या है? डिग्री है। कौन सी डिग्री? तीन तरह की होती है दोस्तों, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे क्या लगता है? दा लगता है, ठीक है। तो हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर, डेंजर का मतलब होता है खतरा, इज मींस है, स्नेक मींस क्या होता है? सांप, लेकिन इसके साथ एस लगा हुआ है, यानी कहता है हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर इज द स्नेक, यहां पर जो सबसे बड़ा खतरा है वो किसका है? सांपों का है। तो यहां पर इज का प्रयोग हुआ जो सिंगुलर वर्ब है, ये किसके अनुसार आई? सनेक्स के अनुसार नहीं, ये आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, यानी हियर द ग्रेटेस्ट डेंजर, इन डेंजर के अनुसार यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। डेंजर क्या है? एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज का प्रयोग हुआ यहां, न कि आर का। सांपों के अनुसार नहीं, ये सब्जेक्ट के अनुसार इसका इज का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और इसके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो लेकर के आएंगे। कृपया करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकूं। और मेरे वीडियो में किसी भी प्रकार की आपको कमी नजर आती है तो कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित करें ताकि मैं अपने वीडियो में सुधार कर सकूं। धन्यवाद।